हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, यानी नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है या हो सकती है। व्यूअर्स, यह रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए रहेगी व्यूअर्स, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच जरूर कर सकती है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई विश ही हो, कोई कोई गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, कोई मिरेकल, कोई ब्लेसिंग है, तो हम वो भी देखेंगे। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस डेक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Rebirth, beautiful. पहला जो कार्ड हम देख पा रहे हैं व्यूअर्स, वो है रीबर्थ का। ये पॉप आउट हो रहा है। पॉलिटिक्स, ओके, अंडरस्टैंडिंग, clinging to the past. Healing, healing का कार्ड आया है। Slowing down. ओके व्यूअर्स, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि अगर आप किसी चीज़ का रीजनरेशन रीग्रोथ चाहते थे, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई रिलेशन या कनेक्शन था जो आपको लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एंडिंग पर है, लेकिन आप देख पाएंगे कि उसका रीबर्थ हुआ, यानी कि चीज़ें अगर ख़त्म होती हुई दिख रही थी या ख़राब या ओवर होती हुई दिख रही थी, तो आप उसमें एक रिजुविनेशन देख पाओगे, एक रिफ्रेशमेंट देखोगे, यानी कि रीबर्थ देखोगे, चाहे कनेक्शंस का हो, फ्रेंडशिप्स का हो, अपने करियर में हो, एक नेक्स्ट स्टेप पर आप जाने वाले हो। जो सिचुएशन आपको लग रहा था कि एंड हो रही है, वो रीबर्थ का साइन है कि आपकी लाइफ में चीज़ें रीजनरेट हो रही हैं, ग्रोथ दोबारा हो रही है, आप स्पीड पकड़ रहे हैं दोबारा। तो यहाँ व्यूअर्स, आपकी ये अगर विश थी कि कोई कनेक्शन आपका ग्रो करे दोबारा, जो पास्ट कनेक्शन है, जो रिसेंट पास्ट है या पास्ट है, कोई आपका करियर था जो थोड़ा आपका एक गति से नहीं चल रहा था, तो स्टेबल नहीं था, तो आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे दोबारा, या कुछ भी यहाँ पर ऐसा है, चाहे आपकी हेल्थ है या कुछ भी है, यहाँ पर दोबारा उस चीज़ की ग्रोथ हो रही है। ओके, मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ आपकी भी ग्रोथ हो रही है। अगर आप अब तक काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल करते करते, काफ़ी दर्द को झेलते झेलते आपको लग रहा था कि अब आप में शक्ति नहीं बची है कुछ और झेलने की, तो यहाँ आपके अंदर रीबर्थ होगा, आपके अंदर एक आप एनर्जी फील करेंगे जो आपको शक्ति देगी या जो आपको महसूस करवाएगी कि आप बहुत वर्दी हैं, आपकी वैल्यू है कुछ। तो यहाँ आपका भी रीबर्थ हो सकता है, आप एक नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे आपकी ये रीजनरेशन की और चीज़ों को रीस्टार्ट करने की जो इच्छा है, ये पूरी होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ कुछ भी आप रीस्टार्ट करना चाहते थे तो वो डेफिनेटली हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर अगर कुछ लोग थे जो चाल चल रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, आपके मुंह पर तो मीठे बन रहे थे, यानी आपके मुंह पर आपके फ्रेंड्स बन रहे थे, आपके फेस पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आपके शुभचिंतक बन रहे थे, बट डीप डाउन आपसे जेलस थे, आपका भला नहीं चाहते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, स्ट्रैटेजाइज करते थे आपको नीचे गिराने के लिए या नीचे धकेलने के लिए। तो व्यूअर्स, अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रह जाएगी और आप ऐसे लोगों का रियल फेस देख पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है। तो ये आपके लिए गिफ्ट हो सकता है, एक ब्लेसिंग हो सकती है कि अब तक आप जिन लोगों को जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में रह रहे थे या जिन लोगों को अपना समझ रहे थे, उनकी रियलिटी सामने आएगी, जिसको लेकर आपको दुखी नहीं होना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, उन लोगों का प्लान और उन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी की ऐसी रह जाएगी और आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे, आप आगे बढ़ोगे। ये जलने वाले लोग यहाँ जेलस ही रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं रहा था, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था, कोई आपके दर्द को या आपके प्यार को नहीं समझ रहा था, लेकिन अब समझने लगेगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, ऐसा दिख रहा है। या साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर मैसेज है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं एंजल्स कि अगर आप अपने पास्ट में उलझ के रह जाओगे, सिर्फ अपने पास्ट की बातों को याद करते रहोगे और सिर्फ पास्ट को लेकर जियोगे, पास्ट के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, सिर्फ पास्ट पास्ट पास्ट, तो यहाँ पर फ्यूचर में रीबर्थ में रीजनरेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको थोड़ा पास्ट से दूर रहना है, इतना भी ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता अब नहीं है आपको। ओके, यहाँ पर हीलिंग की बात भी है। तो अगर अब तक मैंने आपसे कहा कि आप किसी पेन में थे, तकलीफ में थे, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपकी हीलिंग हो रही है। नेक्स्ट 15 डेज में कुछ आप ऐसा डिफरेंस महसूस करने लगेंगे, कुछ आप ऐसी वाइब या एनर्जी फील करने लगेंगे जो आपको थोड़ा काम रखेगी, आपको थोड़ा रिलैक्स रखेगी।
तो मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर आप चाहते थे कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आए, तो रीयूनियन यहाँ हो सकता है। अगर वो आपको समझ नहीं रहे थे, तो वो आपको समझेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप जीत रहे हैं। आप उसके लिए काफी समय से एफर्ट्स ले रहे थे, काफी समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा था, कुछ जीत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीत रहे हैं, विन कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। कुछ भी हो सकता है, चाहे करियर है, चाहे प्यार है, लेकिन मुझे जीत लग रही है। लेकिन ये उस चीज की जीत है जो काफी समय से अधूरी थी, कुछ काफी समय से, काफी समय से कुछ इनकम्प्लीट था, अधूरा था, और आपको उसके पूरे होने का इंतजार था। तो यहां मुझे लग रहा है कि आपको जीत मिल रही है उसी चीज में। यस, और अब आपके हील होने का समय आ गया है। एक घायल शेर से एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप निकलेंगे। इट्स नॉट दैट कि घायल घायल शेर कुछ बुरा था, बस बात ऐसी है कि अब उस फेज से निकलने की बात आ गई है। अब रीजेनरेशन और रीबर्थ की बात है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीजें थी जो अपकमिंग 15 डेज में हो सकती हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी इच्छाओं की हैं, जो पूरी हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेडली होंगी। तो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, और आपके कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि ये रीडिंग कैसी रही। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कितने परसेंट मैच हुई है, कितने परसेंट नहीं हुई है। अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं, प्लीज डू कमेंट। एंड अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।